गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत आज की एक और नई वीडियो में। तो भाई कल इस जगह पर पहुंच चुके थे शाम को, आपको पता ही है भाई। और यहाँ पर आके हमने यहाँ पर दोनों भाई ने कैंपिंग कर ली थी ऊपर भाई, आराम से सोए दोनों भाई। अंकुश भाई बोले रात को यहाँ पर वो आते हैं क्या फॉक्स, पर कोई भी नहीं आया। मैं सोचा देखेंगे पर देखने को मिली नहीं। वो टाइम अलग हो गया, जिस टाइम पहले फॉक्स आई थी। किस टाइम आए थे पहली बार? अगस्त के महीने में, तो लेट आया ना थोड़ा, है ना। हाँ शायद वो मौसम होता होगा बारिश बुरिश के बाद का ना, है नहा के रेडी हो चुके हैं। नए कपड़े भी बोलना। हाँ दिख गए दिख गए। तो दोनों भाई नहा के रेडी हो चुके हैं। यहाँ भैया के पीछे के ढाबा चाय पानी की दुकान है, उन्हीं से परमिशन लेके वहाँ पर वॉशरूम थे, वहाँ नहा के आ गए। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं हम ऊपर दर्शन करने के लिए भगवान जी के। तो मैंने सोचा आपको आसपास का व्यू दिखा देते हैं भाई। उधर जूते रखे हुए सूखने के लिए, तो इसलिए नंगे पाँव ही जा रहा हूँ भाई। और यहाँ पर एक पत्थर है, इस पर लिखा हुआ है इस पत्थर के ऊपर देवते का स्थान है, यहाँ चढ़ना सख्त मना है। ये देखो ये लिखा है। और भाई आपको दिखाते हैं कितना नीचे से आए। पहले वो देखो, वो चाय पानी की दुकान है, वो भैया लोग कहीं गए हुए थे इसलिए भी बंद है फिलहाल। तो आपको यहाँ से दिखा देते हैं, वो जो सामने वाला पोर्शन दिख रहा है ना, वो इस पहाड़ का हाफ है। इससे भी बहुत ज़्यादा नीचे से आए हैं, पता नहीं कितने नीचे से आए, कुछ दिख भी नहीं रहा, बिल्कुल टॉप पर आ गया। बस ये थोड़ा सा पहाड़ और रह गया, इसके ऊपर बिजली महादेव जी का टेम्पल है। तो भाई अभी आपको ना जो ये अंकल जी ना, जिनका ढाबा है, जिनका पीछे घर है जहाँ पर हम नहा के, उनके बाग बगीचे हैं सेब के और नाशपाती के, वो दिखा के लाते हैं भाई। और ये ना सुबह ऐसे लगे हुए थे, अंकुश भाई ने ऐसे किया, क्रॉस का निशान बना दिया इसका। हम क्या स्कूल कब जाएगी, जब इतनी बड़ी हो जाएगी। चल पूरा बता रही थी। हाँ बस हम गार्डन देखने जा रहे हैं। चलो ये ना फलों का काम है ना, फल फ्रूट का, तो कैरेट अपनी ही रखते हुए हर घर के पास मैंने देखी, मैंने किया ना हर घर के पास ना बहुत मिलेगी भाई। हाँ ये गाड़ियों में जाते हैं और फिर खाली होकर वापस आ जाते हैं। तो यहीं पर नहा के गए थे। इस सीजन में ना सेब ज्यादा नहीं है, सेब है पर छोटे। ये नाशपति देख, नाशपति का पेड़ है, ये तो एप्पल का है। हाँ ये एप्पल का, वो नाशपति का। ये देखो ये नाशपति है, रेड रेड दिख रही ना सारी, नीचे एप्पल है। हाँ क्या है, दवाई? दवाई नहीं है। जब फर्स्ट टाइम आता है ना बंदा एप्पल के ट्री देखता है ना, उसे लगता है क्या चीज है, समझ नहीं आता। हर एक पे टंगा होता है बॉटल, जिसे बोलते हैं पोलराइजेशन, कुछ ऐसा है। मतलब मधुमक्खी यहाँ से जाती है, फिर दूसरे वाले पेड़ पे जाती है, उसको वाइट करती है ना एप्पल को, तो मतलब कुछ ना लिंक हो जाता है। अच्छा मतलब अपने समझ गया, भी ट्रांसपोर्ट का जरिया है एक कीटाणु इधर से उधर लेके जाने का। हाँ, मतलब ये छोटा सा ट्रैक्टर है इस खेती करने के लिए भी। ये देखना ये आपको मैंने दिखाई होंगे, छोटा सा इंजन होता है इसमें, ये सभी को ना हाइब्रिड करने का तरीका। अच्छा अच्छा ये मतलब जैसे थोड़ी बहुत जगह होती है ना, ये जैसे इधर बाग है इनका, इसके अंदर खेती करनी है तो इसी ट्रैक्टर से की जाती है, छोटा सा ट्रैक्टर है जो ना। खाइए जी नाशपति, अभी छोटी है नाशपति, बगुगोश होगा या बगुगोश, बबूश। हाँ वो हो सकता ना, आप बब्बू बोलते हैं, गब्बू बोलते हैं, गब्बू। पर वो तो थोड़े वो होते हैं ऐसे, जैसे हाथ से दबाने से आराम से दब जाते, रसीले भी ज्यादा होते हैं भाई। वो नाशपति भी हो सकती है यार, क्योंकि ये थोड़ा खाने में ना सकते हैं, मैंने खाया अभी। खाई? हाँ चलो खाना तो खा ले, एक मैंने पूछा हुआ है। पूछा है? चलो कोई अच्छी सी ढूंढ के खाते हैं, पक्की लाल सी, ये वाली नहीं, इसका तो रंग ही उड़ा, इससे बड़ी नहीं मिलेगी मेरे दोस्त, नहीं मिलेगी। कभी सोचा था किसी के गार्डन में जाएंगे, ऐसे फ्रेश ताजा फल खाएंगे, कच्चे कच्चे पेड़ पौधे भी देखेंगे नाशपति के। और प्रावा मुझे उम्र लग गई ग्रेजुएशन करने के बाद, जाके दिखे ये पेड़, नहीं तो ये एप्पल ही देखे थे सिर्फ। भाई कल कच्चा सेब खाया था, वो भी बड़ा मस्त था, पर उससे ना थोड़ा मुंह खट्टा हो जाता है ना, खट्टा से। ओ सेब खाने का मजा आता है सलाद बना के भाई, नमक के साथ, है ना। तो ये भैया जी हैं जिनको ढाबा, उन्होंने नॉलेज दिए काफी ज्यादा, 1200 के आसपास इनके पेड़ पौधे इधर सेब के और नाशपति के। हाँ 1200 पेड़ पौधे बोले उन्होंने भाई, कितने दिख रहे हैं। और वो सामने बड़ा सा पेड़ दिख रहा ना आपको, आम के पेड़ जैसा दिखेगा, वो चेरी का पेड़ है भाई। और भैया बोलते हैं 10-15 साल लग जाते हैं ना तैयार होने में, 10-15 साल एक पेड़, मतलब पेड़ पौधों 15-16 साल लग जाते हैं इनको तैयार होने में, जो सेब के नाशपति के पेड़ पौधे। और इनकी लाइफ है 70 साल तक फल देते हैं, लेकिन मतलब एक पीढ़ी को पूरा फल देंगे अच्छे तरीके से, इंसानों की तरह ही है ना, एक पीढ़ी चलती है।
तो वही रात में ना अंकुश भाई को बोला था भी दही मिल जाएगा, अंकुश बोला क्यों दही खाने के बाद सच्ची, तो रात अंकुश भाई बोले यहाँ दही नहीं मिलेगा, पर भाई सुबह देखो ऑटोमेटिक अंकल जी दही लेके आ चुकी है भाई, और घर का दही है भाई। इनमें ना काफी संगत आती है, देखो ना कितनी गाड़ियां खड़ी है, शाम को बिल्कुल खाली हो जाएगा। और भाई ऊपर जाने के दो तीन रास्ते हैं, एक इधर से, एक कुल्लू की तरफ से, और एक शायद मनाली की तरफ से भी आता है। तो भाई यहाँ से देखने पर लगेगा भी बस वहां तक जाना है, बट ऐसा कुछ नहीं है, शॉर्टकट महंगा पड़ सकता है भाई। देखो कितनी सीधी चढ़ाई है, कहाँ आगे चलते चलते यहाँ देखो बिल्कुल सीधी चढ़ाई। कितना हो रहा है पता नहीं भरा। अच्छा ओ भाई वो तो बहुत ऊंचा भाई, देखने में नीचे से लग रहा यहीं तक ही जाना बस, बहुत सीधी चढ़ाई है। वाह ऊपर तो पूरा बुग्याल बना हुआ भाई, ओ इससे दूर ही रहना भाई, इससे दूर ही रहना भाई। मस्त हो भाई कितनी ब्यूटीफुल जगह भाई, पूरा बुग्याल सा बना हुआ है। अभी भी हमने शायद वो ऊपर टॉप पर जाना ना, बहुत बड़ा भी भाई, हर एक आज का काफी बड़ा बुग्याल है ना, तो आपको ऊपर आके ना देखना वो कितने सारे गाय बैल सभी चढ़ते हुए मिलेंगे प्रावा। मगर लग गई पीछे लग गया भाई, भाग गया मैं तो पता नहीं क्या आया उसके मन में भाई, एकदम से सीधा अटक्कर मार दे भाई। कितनी ब्यूटीफुल जगह है भाई। भाई जाना किधर हो रहा है, बंदा गलत लेके जा रहा है मेरे को, जाना तो उधर, इधर क्यों घुमा रहा है यार। देखना देखना भाई उधर है मंदिर तो, पर इधर से लेके जा रहा है। शॉर्टकट है क्या कोई? ये तालाब पता क्यों है? जानवरों के लिए पानी पीने का। देखो भाई वहां से सीधा रास्ता था, पर ये बंदा उधर से घुमाते 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 इधर लेके आया। बोरा ऊपर ये वायर चल रही है ना, ये दिखानी है तेरे को। देखना घूम फिर के फिर वहीं जा रहे हैं, और वो अभी संगत देखो कितनी जा रही है ऊपर। हेलो वेयर आर यू फ्रॉम? रशिया। अंकुश भाई रशिया, क्या बोलते हैं रशिया में, कुछ बोल के बता। आती नहीं है थोड़ी बहुत, थोड़ी सी वो कुछ है क्या बोलते हैं, मेरे को थोड़ी थोड़ी याद है। खरोशो खरोशो, वो जो सामने संगत जा रही है ना उनके साथ एक गाइड भी है, वो उनको दूसरे आसान रास्ते से लेके जा रहा है जो जिग जग है, और हम जा रहे हैं बिल्कुल सीधा। इधर से चले ऊपर, ऊपर से सीधा चढ़ते चल भाई। आपको ना एक आवाज सुनाई दे रही होगी, वो देखने में लगेगा, सुनने में सॉरी सुनने में लगेगा कोई झरना चल रहा है, बट झरना नहीं है भाई। अरे चुप हो जाए यार, चुप, सुनने दे हवा की आवाज यार। अब चुप होया तो हवा की आवाज है भाई, पानी की नहीं है। ये समझता है तो हिंदी, इसके वो हिमाचली भी आती होगी ना। ओ गुस्सा मान गया, चला गया गुस्सा मान गया भाई। चढ़ते चढ़ते बहुत ऊपर आ चुके हैं भाई, सो फाइनली अभी आपको दिखाते हैं ब्यूटीफुल सा व्यू। पहले तो यहाँ से चेक करो भाई कितना प्यारा व्यू सच्ची भाई। अभी ऊपर जाना टावर के पास है ना, उसके पास ही मंदिर है ना। अच्छा अच्छा घूम के ओके भाई, उधर ना फूल खिले हैं पर सूख चुके हैं। तो फाइनली भाई चेक करो सामने संगम तो दिख रहा भाई, पर वो बुंतर का ब्रिज दिख रहा है ऊपर जाके आएगा। अच्छा तो नीचे शॉर्ट था क्या, कितना मस्त है भाई, फोगी फोगी माहौल हो रखा और ठंडी ठंडी हवा आ रही, कितनी अच्छी लग रही है ना। अभी ना भाई पाइन के ना छोटे छोटे ट्री के बीच में से निकल के जाना भाई, ये इधर तो बड़े बड़े ना, ये सारे छोटे छोटे आगे तक छोटे छोटे, ये सारे ये शायद हाइट पर ज्यादा नहीं इसलिए नहीं बढ़ रहे, छोटे रह गए। कितनी मस्त कितनी प्यारी जगह भाई। भाई पेड़ चाहे छोटे हैं पर फल ज्यादा इन पर है ना, आजकल के हिसाब से फल बड़े बड़े हैं। देखना सूख गए हैं तो इसके अंदर से तो बुरा खाने का निकलता है, दूसरा इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है। चलो अभी सबसे मस्त लोकेशन से निकल के जाने वाले हैं। वाह भाई आगे भी ऐसा घने जंगल से होके जाना है, पर मजा है भाई। रात को इसी जंगल से अगर निकलना पड़ जाए अंकुश भाई तो क्या हालात होगी, बालू स्वागत करेगा। ये पाइन के ट्री की पनीरी है, मतलब
छोटे पौधे। ऊपर से भी रास्ता है, आ गया मैं ऊपर से आ गया, नीचे से लकड़ी ज्यादा है। इस एरिया में ना बालू भी है भाई, वो भैया बता रहे थे गाड़ी वाले बोल रहे हैं, पर ऐसे कुछ ज्यादा खतरा नहीं है, बालू है। पहाड़ों में लगभग कोई ना कोई जानवर तो होता है, लेपड़ भी होते हैं। ये एक पेड़ है भाई, इसमें से ना काफी गोंद निकला हुआ है, देखना किधर गई। हाँ ये देखो, ये सारी गोंद है भाई। यहाँ ना भाई चारों तरफ तार बंदी कर रखी है और बस इतना सा रास्ता छोड़ रखा है। प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या है? गेट भी लगा, ये देखो भाई। अच्छा अच्छा, ताकि कोई ये जानवर ना आए ना भाई। वो जो सामने पहाड़ दिख रहा ना, यहाँ पर पानी वही पहाड़ से, उसी पहाड़ से आता है मंदिर के लिए, और भाई यहाँ से सीधा रास्ता मलाना भी जाता है ना कुछ। और भाई इस रास्ते में ना वो वाले पौधे आते हैं जो पहले ग्रंथ, यहाँ क्या लिखते थे, वेद ग्रंथ जो भी लिखते थे ना, उनके जो पन्ने होते थे वर्क के, शाल होती है ना पेड़ों की, जो जिस लकड़ी, हाँ जिस लकड़ी से बनते थे ना, वो पेड़ पौधे इस रास्ते में आते हैं। कभी कर पाएंगे ट्रैक? ये बहुत लंबा ट्रैक है यार। उधर से भी रास्ता आता है शायद, नीचे से घूम के या उधर से जो मनाली की तरफ से आता है, या किधर पीछे से रास्ता आता है, और ये सीधा ऊपर जाता है बिजली महादेव टेम्पल का। भाई नीचे क्या है सारा, मंडी ओ कुल्लू सारा तो नहीं दिख रहा, वो सीढ़ी नुमा खेत टाइप बने हुए यहाँ पर, ये देखना सीढ़ी एक दो ऐसे सीढ़ी नुमा बने, और चारों तरफ पेड़ पौधे, बीच में खाली। ओ अंकुश उधर तो काफी बड़ा वो कैंप साइट है, वो रास्ता कौन सा है? वो वाला आता है कुल्लू से। अच्छा कुल्लू से वो रास्ता आता है, से बस आती है, एंड बस आती है कम से कम 12-13 किलोमीटर, एंड यहाँ से 1 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर प्रॉपर गाड़ी आने का कोई भी रास्ता नहीं वैसे? हाँ एक है, वो जो मनाली से आता है, सारा अली खान आई थी ना वो वाला, सारा अली खान आई थी उधर से, वो सामने रास्ता भी मनाली की तरफ से आता है, उधर से गाड़ी प्रॉपर ऊपर तक आती है, नहीं तो वो सामने आपको चाय पानी की दुकानें दिख रही है ना, वो रास्ता था कुल्लू से, और ये सारा नीचे इधर कुल्लू। और भाई इधर दर्शन करो भाई, बाहर से बिजली महादेव टेम्पल। अभी भाई उधर से घूमते घुमाते व्यू देखते ना, मेन रास्ते पर आ चुके हैं। फूल तोड़ना सख्त मना है, फूल लगे किधर है? ये क्या छोटा सा रडार टाइप है कुछ है ना, तो वो जैसे ही आप यहाँ से एंटर हो गए, सबसे पहले आपको ये बड़ा सारा त्रिशूल दिखाई देगा, और कुछ सामने हिमाचली कैप डाले हुए इधर के बुजुर्ग लोग मिलेंगे जो शायद यहीं पर रहते होंगे। मंदिर पिछड़ में कोई शराब पीता पाएगा, 5000 जुर्माना। ये रे फूल भाई, इन्हीं को लिखा था तोड़ना नहीं है भाई, कितने प्यारे प्यारे फूल है भाई, सच्ची भाई बहुत मस्त लोकेशन है, मज़ा आ गया। छोटा छोटा सा फल लगा पर क्या चीज़ है पता नहीं लग रहा, जैसे बेर टाइप होते हैं ना वैसा। इधर है जी जूता घर, जहाँ आप जूते उतार सकते हो, और मेरे जूते शॉर्टकट है, मतलब लेस है नहीं, आराम से उतर जाते हैं, यहाँ मुँह धोते हैं फिर दर्शन करते हैं भगवान जी के। इधर भी छोटा सा मंदिर बना हुआ है सामने ये वाला, और ये मेन मंदिर है, और इधर काफी लंबा सा ये पिलर खड़ा है। लोग जाते होते हैं ना, नया लगाते बाबा जी हर बार, जैसे ये पिछली ने कर दिया ना इसको पास, फिर नया लगता है, जब तक नहीं पता। पाइन का ट्री है ना जी, ये पाइन का ट्री है ना, लकड़ी मतलब यही ना जो जंगल की है, हम दियार बोलते हैं ना, देवदार देवदार देवदार, यहाँ समझाते इसको, ये नीचे जो गांव है आपका नहीं दस है। अच्छा अच्छा अच्छा, लास्ट गांव नीचे वहाँ से आता बाजार के साथ, तो बस 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 तो बाबा जी बोल रहे हर बार ना जब भी बिजली गिरती है टूट जाता है, फिर नया लगाते हैं भाई, कभी इस पर बिजली गिरती है और कभी जो अंदर शिवलिंग है ना। लो भाई बड़े अच्छे तरीके से दर्शन हो चुके, मक्खन का है घी का बना अंदर जो शिवलिंग है, मक्खन से मक्खन मक्खन, हाँ कलर से लग रहा है मक्खन का ही बना हुआ है, और ठंडा ठंड के कारण जमा रहता है ना वैसा वैसा बन जाता है, जब बिजली गिरती है तब खंडित हो जाता है, फिर मक्खन से तैयार कर देते, नीचे गाँव वाले ना वहाँ से लेके आते हैं ना मक्खन। तो ठीक है बड़े अच्छे तरीके से दर्शन हो चुके हैं, आप भी एक बार फिर से दर्शन कर लो भाई, जय बिजली महादेव।
इतना पुराना मंदिर है, कुछ भी है ना क्या? अभी देख इसकी पोजीशन। हाँ ये देखो थोड़ा सा इधर बैंड कर रखा है इधर, है ना? हाँ नहीं ये पता क्या, पुराना कोई पेड़ जैसे पाइन का ट्री है ना, वो सीधा सीधा से मतलब काट के ना अच्छे तरीके से सीधा सीधा कितना लंबा देखो। और वैसे भी आपने देखा पाइन के ट्री कितने लंबे लंबे हो जाते हैं। झूल रहा है, हिल रहा है, नहीं भी कैसे नीचे गॉड रखा होगा ना। यहाँ पर ना सारी हिस्ट्री लिखी है, इसको दवजा बोलते हैं, दवजा दवजा शायद इसके ऊपर ना दवज लगता है, अभी तो नहीं है पर कौवे बैठे हैं ऊपर, कौवे बैठने के बाद ऐसे झुक रहा है भाई पूरा। हाँ सच्ची भाई कितना प्यारा बुगियाल बना हुआ ना, लो यहाँ से भी चेक करो। यहाँ से वही बुंतर का एयरपोर्ट भी दिख रहा है, वो चेक करो वो सामने वो वाला। तो ठीक है भाई, काफी अच्छे तरीके से दर्शन हो चुके, आपको भी अच्छे तरीके से दर्शन कराए, बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल सुहावनी सी जगह थी। ठीक है अभी चले, चलिए जनाब। अभी भाई ना हम जा ही रहे थे और अंकुश भाई कुछ वीडियो बना रहे थे, तभी अपने भाई लोग मिले, भैया और भाभी जी, उन्होंने हमारी आवाज पहचान ली, वैसे तो पता नहीं लगा। तो भैया जी नमस्कार। अच्छा वैसे आपको पता लगा आवाज पहचानी है, क्योंकि हमारा मुंह इधर था ना और अंकुश भाई लगे थे अपनी कार्रवाई में, भाई ये शादी शादी के चक्कर में पड़े थे तो भैया भाभी ने पहचान लिया, तो बड़ा अच्छा लगा आप सभी से मिलके। और अच्छी बात यह है भैया लोग अपने मतलब पास से कुरुक्षेत्र से ही है, तो ये और भी ज्यादा अच्छी बात है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो ठीक है जी, बड़ा अच्छा लगा आप सभी से मिलके, ओके ठीक है। छोटू क्या नाम है? अरियान शर्मा। अरियान शर्मा, मिलेंगे कुरुक्षेत्र में, ओके ओके जी, जरूर जरूर। चलते चलते हाफ रास्ते आ चुके हैं और अब भाई कोई भी श्रद्धालु आता जाता दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल शांति हो रखी। क्या हो गया? गोप्रो लग गया। तो भाई थोड़ा ही रह गया, वो देखो गाड़ी दिख रही ना, वहीं पर अपना स्टे है। और इधर ना चिड़ियों की चहचहाट बड़ी ही प्यारी लग रही है भाई। 4 बजे गए थे, 7 बज चुके शाम के और भाई भूख लग चुकी है बहुत ज्यादा, पर अभी खाना थोड़ी लेट बनेगा, तब तक एक एक कप चाय पी लेंगे चुस्की वाली, फिर अपना आराम से खाना खा लेंगे, सही है ना? सच्ची भाई, भैया चाय बड़ी मस्त बनाते है, कुछ पी के देख एक बार, टेस्ट किया? किया भी एक बार, सच्ची बताना। हाँ भाई अदरक है ना मेरा फेवरेट है, चीनी चाय ना डालो अदरक डाल, यही चाय अच्छी मिली जब से चल रहे हैं। लो भाई अभी आ चुका अपना शाम का डिनर, रात का डिनर, शाम का ऐसे ही होता ना। ठीक है भाई, और आज ना हमने भैया को बोलता भी रोटी साथ में ला देना, चावल खा खा के ना थोड़ा परेशान से हो गए, तो भैया आज साथ में रोटी भी बनवा के लाए। हाँ